फिल्मों में बुकी से लेकर फिल्मों में क्रिएटर तक की जर्नी कैसे रही? बुकी से लेकर क्रिएटर तक जर्नी कैसे? Well, actually, जन्नत रिलीज हुई थी 6 साल पहले और उस टाइम पे एक सर सर यहाँ पे दूर रहेगा इमेज सर ये मैच फिक्सिंग का सबप्लॉट था उस फिल्म में तो आई डोंट नो व्हाई आई गेट दिस ओनली कंट्रोवर्शियल पार्ट्स ऑफ द स्पोर्ट्स क्रिकेट लेकिन इसमें एक इंस्पिरेशनल स्टोरी भी है अजहर में क्योंकि अजहर भाई ने हमारे देश को 10 साल तक अपने कैप्टनसी से जिताया एंड ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली 2000 में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी तो जन्नत इज आई गेस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर आई वाज प्लेइंग द बुकी ये एक ऐसा डायमेंशन है क्रिकेट का जो अजहर भाई ने हमारे साथ शेयर किया लॉट ऑफ एनेक्डोट्स अबाउट द स्पोर्ट एक क्रिकेट की एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे वी हैव सीन इट फ्रॉम a distance we have obviously loved the sport but we don't know about the conversations that take place in locker rooms kis tarah players ki camaraderie kis tarah hai jokes kya hote hain chakre kaise hote hain obviously wo 12 saal tak wo match fixing controversy ke time pe in detail we have not seen that till now to jannat se leke azhar tak ek bahut hi achhi journey rahi hai and I always get this very unusual dimension of the sport which is match fixing but in this it's also inspirational wow madhya okay abhi main na thoda gk type question karne wali hu aapko aur agar aapne galat jawab diya then I'm gonna give you a task to acche se sochna ab aap dono ka jo pair hai wo bada hi famous hai तो इसीलिए मैं आपको पूछने वाली हूँ कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में प्राची देसाई के कैरेक्टर का नाम क्या था उनके लिए
मुमताज एक बार गलत जवाब दे दी, इतना अच्छा डांस था। No, there was a task, and I was सही जवाब दे दिया ना। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं? पांडे जवाब पूछ लो। तीन डायलॉग है इसमें जो आपने डायलॉग क्यों वो डायलॉग खत्म हो जाता है उससे वो भूल जाता है उसके बाद श्योर है सब अजर में डायलॉग बोलो अजर में उस तरह के डायलॉग डायलॉग नहीं है वो एक ही है जो हमने प्रोमो में प्ले किया है मेरे नाम में मोहम्मद है तो ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े पंच लाइन है लेकिन इसमें एलैबोरेट डायलॉग इस तरह के स्पोकन रूटिंग निशा माइक तो दो मोहम्मद अजरुद्दीन ने अपने पहले तीन टेस्ट मैचेस में कौन से कलर के मोजे पहने थे सफेद मैं अजहर भाई को फोन करूं अभी इस पे आगे मत करना मेरे साथ मुझे पता है सफेद मजे पहने थे
वेलकम जो मिलता है इस रेडियो स्टेशन में इट्स द बेस्ट वेलकम एवर grander and better kya prithvi prachi this is what happens this is fab yeah this is the most fun I think interaction we've ever had and honestly humne expect nahi kiya tha hum logo ko lag raha tha ki yaar 3 baj gaye hain dopahar ke ye to this is such a boring day but you guys have made it fab thanks guys प्राची तुमसे किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा मैं 3 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ बिल्कुल फटाफट जवाब दे ये फिल्म आपने क्यों साइन की क्योंकि मुझे इमरान के साथ दोबारा काम करना था वाओ स्टेटमेंट है लिख लो आपने ओके इसमें कोई डांस है परफॉर्मेंस है आपका आपने वो नौरीन का गेटअप देखा है उस पर आपको ओए ओए करेंगे तो कैसे लगेगा अनफॉर्चुनेटली कोई डांस नहीं है पर एक और पीरू जैसा रोमांटिक ट्रैक जरूर है दोनों के बीच ओके इसमें इमरान ने किस किया है पूरी फिल्म Of course, Imran है और किसी नहीं है कैसे हो सकता है ये मत पूछा किसके साथ because that you have to figure out. Okay. क्या बात? प्राची last question जो इन सब के लिए बहुत important है क्योंकि बाद में मौका मिले ना मिले. Okay. तो क्या होता है कि ऐसे actor के साथ काम करते हुए बहुत कुछ इंसान सीखता है तो तुमने क्या सीखा है? Is that the word you're waiting for? Imran के साथ काम करके this is a little serious. Patience. I don't know how you know Imran is so patient, but I think patience is the one thing I've learned from him on this film. क्या करते होंगे? किस चीज़ का patience? बहुत ऐसा रहता है कि क्या करूँ? You know, see these people are constantly trying and testing your patience. So I think वो जितने भी किसी retakes और जिसकी भी बात कर रहे थे Imran, उसमें जो मेरी patience चाहिए, that is what I'm.